मधुमक्खियों का कुछ कीजिए। मैं क्या कर सकता हूँ भाभी जी, ज्यादा से ज्यादा आप चारों की उन मधुमक्खियों के साथ मीटिंग करवा सकता हूँ, फिर आप लोग उनसे माफी मांग लीजिएगा। तो आप लोग रेडी है लंदन चलने के लिए? यस, वी आर रेडी फॉर जर्नी। जो बम को बाहर निकल के दूर फेंक दे रहे, फिर हम घुस जाएंगे अंदर। अरे ना, अरे दादा। अरे भाई लोग, उतरिए उतरिए, लंदन आ गया। आइए आइए, उतरिए नीचे। ओ मोरी मैया, अरे हाथ दे दे इधर। ये ले। अबे क्या कर रही है यार तू? अरे देख कर दर्जा करने। अबे देख को देख यार, ये समझ में ना आ रही है कुछ लंदन। हर हन हाँ, भोजली लंदन आ गो यार। अजालिमो यार, हमने तो सुना था कि लंदन में बहुत ठंड पड़ती है, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल भी ठंड ना आ रही यार। अबे यार तू ठंड की बात कर रही है, ये देख तगड़ी गर्मी पड़ रही है। हाँ यार, वेरी हॉट क्लाइमेट, लंदन बहुत गर्म है यार। हाँ। चुलस गए यार। भाई लोग वेलकम टू लंदन। अब आप लोग लंदन में ऐश कीजिए। एजेंट भाई साहब, और कहाँ से ऐश कर ले, यहाँ तो चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ नजर आ रहे, आगे तो कुछ भी नहीं दिख रो। अरे भाई लोग, अभी इस वक्त हम लोग शहर से बाहर है ना, तो पहाड़ी ही पहाड़ दिखेगा, और क्या दिखेगा है? अच्छा तो यहाँ हम क्या घुइयां उखाड़े, हमें शहर लेके चलो लंदन। भाई साहब, ये जो है लंदन का बॉर्डर है ना, और बॉर्डर के अंदर आगे तक जाना हमारे लिए अलाउड नहीं है। अब यहाँ से अंदर जो है ना, आप लोगों को अकेले ही जाना पड़ेगा। ठीक है बात हुई यार, बकवास कर रहे हो यार, गर्मी पड़ रही है, हालत खराब है रही है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। Don't you worry my lad, तुम्हें लंदन जाने का मौका मिलेगा, लेकिन हमारा बाकी का पैसे देने के बाद। अटीका, जल्दी से पैसे दे दे। गुड गुड गुड, अब एक काम करो, यहाँ से सीधे चले जाओ। उस पहाड़ी के पीछे लंदन ही लंदन मिलेगा। लेकिन गोरा अंकल, पहले ये बताइए कि यहाँ से जाने के लिए कोई सवारी और मिलेगी क्या, कोई टांगा रिक्शा ऑटो? न हाथी है न घोड़ा है, लंदन पैदल ही जाना है। खुदा के पास जाना है, लंदन पैदल ही जाना है, झूठ मत बोलो लंदन। ए चल निकालो। मसूरी, क्या लगता है आपको, वो क्वीन हनी भी आएंगी? वो तुम इंसानों की तरह झूठी और फरेबी नहीं है। उनके अंदर संस्कार नाम का चीज है। और लेकिन हमको ये बात का तानसेन है, क्यों काटेंगी तो नहीं? जी नहीं भाभी जी, मधुमक्खियां अपने वचन की पक्की होती हैं। मीटिंग के लिए आ रही हैं तो मीटिंग ही करेंगी, काटेंगी नहीं। क्या दिन आ गया, मधुमक्खी से मीटिंग करने के लिए आए। अब बुलाइए मधुमक्खी को, माफी मांगे, पिंड छूटे इस मधुमक्खी पुराण से। हाँ भाभी जी, बस आ ही रही हैं। क्या आ रही हैं? आपने तो कहा था 1 बजे तक पहुंच जाएंगी। 1 बजने में अभी 1 मिनट बाकी है। है? ये मच्छर मक्खी भी टाइम के इतने पंक्चुअल होते हैं? मच्छर मक्खियां ही टाइम के पंक्चुअल होते हैं। क्या तुमने कभी डेंगू मच्छर के बारे में नहीं सुना? वो सिर्फ 12 से 3 के बीच में ही काटते हैं। मैटिनी शो में काटता है सर, ओनली मैटिनी शो। ये देखिए रानी साहब आ गई। आइए 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 रानी साहिबा, सुस्वागतम सुस्वागतम। तुम लोग रानी साहिबों को दुआ सलाम नहीं करोगे? ये हमारे मेहमान हैं। हेलो हेलो रानी साहिबा, हेलो। हेलो हॉर्नी बी। भाभी जी यहाँ तो कम से कम सही बोल लीजिए, इट्स हनी बी। सही पकड़े हैं। आई लो
Your Highness and my lowness. Extra nice. जयराम जी की रानी साहेबा ने आप लोगों का दुआ सलाम कबूल किया। सो मच। इनसे पूछिए कुछ शराब वराब पेश करें इनके सामने। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? रानी साहेबा केवल फूलों का रस पीती हैं, सोम रस नहीं। दिया मास्टर जी, लेकिन फूलों का रस तो है ना ही हमारे पास। भाभी जी आप चिंता ना करें, रानी साहिबा फूलों का रस पी कर आई हैं। मास्टर जी माफी मांग लें हम। रानी साहिबा, ये लोग आपसे माफी मांगना चाहते हैं। देखिए मधुमक्खी, आई मीन रानी साहिबा जी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमारे हस्बैंड्स को माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई इनसे। बोल दो ना सॉरी। वी आर सॉरी, वी आर सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। आहा, देखिए रानी जी, देखिए हम सबको माफ कर दीजिए। हाँ, हम कभी जिंदगी में शहद का अब इस्तेमाल ही ना ही करेंगे। देखिए अब आप हमें हमारे किए की सजा दे चुकी हैं, वैसे भी 50-60 बार तो डंक मारी चुकी हैं। देखिए आप अपने इस गुस्से के डंक को शांत कीजिए, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करते हैं, प्लेन एंड सिंपल। रानी साहिबा कुछ भिन्नाई सी कुछ बोल रही हैं। लगता है कह रही है कि हमने माफ किया। जी नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं कह रही हैं। ये तुम दोनों को इतनी मोटी मोटी गालियां दे रही हैं। हम भाभी माओ के सामने बयां भी नहीं कर सकते। किस टाइप की गाली दे रही है? इस टाइप की ये भी देती है क्या? हाँ होती है। तो क्या अपना रानी साहिबा ने हमें माफ नहीं किया? ये कह रही हैं कि एक शर्त पर माफ करेंगी। कैसी शर्त? शर्त ये है कि विभूति भैया और तिवारी भैया में से किसी एक को बाहर घूमना पड़ेगा, वो भी बिना कपड़ों के। What nonsense? Actually, task मुश्किल है, लेकिन I'm sure तिवारी जी कर गुजरेंगे। I'm sure. Hi Diya. ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? तिवारी जी कर गुजरेंगे? आप करेंगे ये टास्क पूरा, हम क्यों करेंगे? जो कुछ भी हुआ ना आपकी वजह से हुआ, पत्थर आपने मारा था। अरे आप भी तो रिस्पॉन्सिबल। जी ने पत्थर आपने मारा था, आपने मारा था, आपने मारा था। आपने नहीं मारा था, आपने नहीं मारा था। अरे आपने। रानी साहिबा भड़क रही हैं, कह रहे हैं कि जल्दी से फैसला करो। ओके फाइन, फेयर इनफ। एक काम करते हैं, टॉस कर लेते हैं। अगर हेड जाएगा तो आप जाएंगे बिना कपड़ों के, और अगर टेल जाएगा तो मैं जाऊंगा बिना कपड़ों के। सैड सिंपल इज दैट। ओके ओके। हाय दिया। हेड्स एवरीबॉडी, हेड्स हेड्स हेड्स, सी हेड्स। Oh my God, very hot climate in London, यार। गर्मी है कि लंदन में बहुत यार। अरे, टिल्लू मल खान, लंदन को सुलभ शौचालय यार। यार एक बात दोनों ने नोटिस करी? कहा? ये लंदन का शौचालय हमारे कानपुर के शौचालय की तरह नहीं लग रहा, डिट्टो। हाँ यार, का बकवास कर रहे हो? हमारो कानपुर का शौचालय ना जो लंदन के शौचालय से कई गुनों बेहतर है भैया। बिल्कुल मलखान ठीक कह रहे हो यार, पर मुझको एक बात समझ में ना आ रही यार। हाँ। कि जो एजेंट है वो पर रस्ते में उतार को चले गए। बात सही कह रहे हैं, भूतने वाले ने उतारा क्यों बीच में? उस पर पैदल चलते चलते पैर टूट गए यार। एक मिनट, हॉट क्लाइमेट जो आदमी है ना इससे पूछ लेंगे माजरा क्या है। ये लंदन का लोकल लग रहा है। हाँ, चश्मे लगा लो भैया। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन। जेंटलमैन के बोले जेंटलमैन बोल, स्पेलिंग मिस्टेक। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन। एक रुपए एक नंबर के और दो रुपए दो नंबर के।
आप एक्सक्यूज मी वी कम कानपुर इंडिया वेयर इज लंदन मैन यार सीधी सीधी हिंदी में बात कर लो तुम यार ये लंदन में अपनी भाषा बोल रहे हो यार लंदन में तो अंग्रेजी बोली जाती है हमारा कोई लंदन वंदन नहीं है ये शिकारपुर है शिकारपुर भाई साहब लेकिन जो आदमी हमें यहाँ पे छोड़ के गए थे वो टीका वाला सफारी सूट वा हमें बस तुम्हें नहीं अरे रोज किसी न किसी को छोड़ के जाता है यहाँ लंदन का झांसा देता है उनसे पैसे ऐंठता है और यहाँ छोड़ जाता है शिकारपुर में शिकारी आए कुछ समझ में ना आ रहा ए, बड़ा बदतमीज आदमी आ गो यार देखिए अरे चार दिन पहले ये भी गए थे बैंकॉक अल खान हाँ 2 रुपए दे दे यार लाओ 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 अबे लेडीज है वो अरे वो लंदन देना यार दिए नहीं दिए तूने बनियान मैं जब भी यहां पर आता हूं तेरा कोई ना कोई घटिया रूप देखने को मिलता है मुझे डैडू वो क्या है ना कि वो बकवास बंद कर ना तेरी शक्ल देखनी है ना तेरी आवाज सुननी है मुझे समझा तू लौंडे लौंडे चुम्मा चाटी बंद कर प्लीज बंद कर अंकल जी आई एम सो 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 हैप्पी आपने क्या टाइम पर एंट्री दी है अरे क्या घुइया टाइम पर एंट्री मारी है माने ये देखो मेरा दामाद कच्चा बनियान जो आज ना कच्चे में है ना बनियान में है नंगा बैल बन के घूम रहा है अंकल जी क्यों मूड खराब कर रहे हैं आप अपना सुनिए ना बने नहीं लौंडे आज तो बिल्कुल टाइम नहीं है आज लेकिन इसको देखकर मेरा मूड इतना खराब हो गया कि आज आज अगर बने तो फिर लार्ज ही बने बिल्कुल लार्ज तो आप चलिए मैं आता हूं कल जी काम डाउन आप क्यों खड़े हैं निर्वस्त्र होकर पूरे कानपुर में घूमिए झांकी दिखाइए सारो लंदन जाने को सारो प्लान चौपट है गो यार अजालिम चौपट तो होने दो यार लंदन में आ जा पाए ऊपर से यार सारे पैसे भी लूट गए यार गरीबी में आटा गीलो हो कोई बात ना मेरे यारो किसी बुजुर्ग ने कहा है कि जहाँ चाह वहीं रहा अगर हम कोशिश करते रहेंगे ना तो कसम से कह रही हूँ भैया लंदन एक दिन जरूर चले जाएंगे देख लियो बूढ़े आ जाएंगे तब जाने से का फायदो ठीक है एकदम सही कर रहे सारे बकवास कर रहे अगर जवानी में लंदन जाएंगे ना तो वहां पर जाकर थोड़ी ऐस वैस भी कर लेंगे यार बुढ़ापे में का घुइया छी लेंगे वहां पे अबे बावलो मैं भी तो ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोशिश कर लो क्या खा कोशिश कर ले यार चल कोशिश कर भी लेते हैं मगर ये बता काम धंधो का करे इतने नुकसान भाव है बाकी भरपाई कैसे करे कैसे होगी भरपाई बता दो दिमाग खराब हो रहा है मेरा यार यार सही कह रहा हूँ यार बात तो ठीक करे लेकिन दिमाग लगा कुछ ना कुछ तो मिलेगा आइडिया कुछ तो कुछ कर मैं सोच रहा हूँ यार मोटर कार को धंधो कर जालिमो हाँ यार मेरे दिमाग में ना एक टॉप को आइडिया आया हुआ है ठीक है अब मलखान के दिमाग में भी आइडिया आने लगे
अरे हंसी उड़ा रहे हो, पहले सुन तो ले, बकवास कर रहे हो। अच्छा भाई बोल। यार आइडिया आया हुआ है कि हम ना शहद का धंधा शुरू कर देते हैं, असली शहद को धंधो। असली शहद को धंधे। अरे असली शहद कहां से लाएंगे मेरे मधुमक्खी के छत्ते? बोल। सारे करवे धूतड़ी को ऊपर करके ना वहां को देख ले। अरे वहां देख यार। ठीक है यार, ठीक है जे, सही कह रही है यार। हाँ। कसम से कह रही हूँ भाई, असली शहद की बहुत डिमांड है। 5,000 रुपए किलो बिकेगा जे शहद, मेरी आंखें बता रही हैं। हाँ। खान, हाँ। देख कर रहे हो सारे, पत्थर उठा। हाँ। और दे मार टारगेट पर। रोक। ले कसम से निशाना सही लगाइयो। कंचे बहुत खेले बेटा मैंने बचपन में। हाँ? हाँ। खेल ले। आपके काला मसला है ना, आपको बड़ा क्यूट लग रहा है लंगियों के बाद। तिवारी जी वैसे थैंक यू सो मच, आपने कितनी हिम्मत दिखाई और आप बिना कपड़ों के ही बाहर निकल गए। क्यों ना दिखाते, बदतमीजी भी तो इन्होंने की थी। अकेले हमने बदतमीजी नहीं की थी, आपने भी बदतमीजी की थी मधुमक्खियों के साथ। उन्होंने मेरी बदतमीजी का बुरा नहीं माना था। अरे आप लड़काए रहे हैं। हाँ, आप दोनों ही छेड़े थे मधुमक्खियों को। और उसकी सजा सबको मिली। देखो विभू, अब तुम ना प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी मधुमक्खियों से पंगा नहीं लोगे। बेबी मैं कसम खाता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि मैं मधुमक्खी से कभी पंगा नहीं लूंगा। मैं तुमसे पंगा ले लूंगा, तुम्हारे पप्पा से पंगा ले लूंगा, लेकिन मधुमक्खी से नो, नेवर। और आप कब बोलेंगे इस बारे में? भाई हम अपने पुरखों की कसम खा के कहते हैं, मधुमक्खियों से पंगा कतई नहीं लेंगे। क्या हुआ, आप लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं? भैया जी हमारे पीछे ना, मुट्ठी कर अपना। हाँ भैया, भैया जी हमारे पीछे ना मधुमक्खियां पड़ गई, आ गई मोरी भैया। अरे अभी अभी तो मधुमक्खियों के साथ समझौता किया था, फिर पीछे कैसे पड़ गई? भैया वो कहा कि हमारे माइंड में आई कि हम शहद को धंधो स्टार्ट कर लें, और इसी चक्कर में हमने मधुमक्खियों के छत्ते पर दे मारा पत्थर, और वहां के बाद ना उन्होंने हम पे हमला करता हूँ। भैया देख लो कैसे कैसे मेकअप कर रखो ये। क्यों बे लौंडो, तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ये तुमने क्या किया? एक कांड जो तिवारी भैया और विभूति भैया ने किया था, उससे अभी निजात मिली ही थी कि तुमने दूसरा कांड कर दिया। अच्छा ये बताइए मास्टर जी कि ये जो जब ये कांड हुआ तो मधुमक्खी की जो रानी थी वो क्या कर रही थी? वो शी हैविंग अ बाथ और स्पा में थी, क्या कर रही थी? जी वो राजा मक्खी के साथ प्रेम के शहद में डूबी हुई थी कि लौंडो ने रायता फैला दिया। अब जंग होगी, यलगार होगी, युद्ध होगा। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे यार जो कहां फंस गए, इतनी गर्मी पड़ रही सोतर, इतनी गर्मी तो कौन दुनिया के कोने में ना पड़ी हुए जितनी जब कार में पड़ रही। गर्मी के मारे पूरा तेल निकल गया तो सर क्या करे। एक काम कर रहे, हर उतार काट दे रहे, जिंदगी भर हरे हरे नोट लाए हमने, अगर मरनो लिखो हुए सतर तो को बाप ना बचा पाएगो हमें। जो रेशम पला धीकू लट चुका है, बार बार फोन कर रहा हूँ, अब तो मर रहे हम, तुम काहे नहीं मर जा रहे? हेलो अपू सिंह। हेलो साहब, जैन जैन साहब, जैन जल्दी बोलो साहब, जो बोल रहे हैं बोल दो, अब
हम हरू 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 तार काट रहे साहब। अब तुम्हें कोई तार बार काटने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स करो, क्योंकि हमारे गुप्त सूत्रों से पता चला है कि तुम जिस कार में हो उस कार में किसी ने नकली बॉम्ब रख दिया था। हमें किसी ने बेवकूफ बनाया था। आओ आओ साहब, अब तुम्हें जो करना है करो, रिलैक्स हो जाओ, नाचो गाओ कूदो, एंजॉय, बाय बाय। अरे साहब आपके मुंह में घी शक्कर। अरे नकलिया फड़फड़ा रहा हूँ। हेलो अप्पू सिंह, अबे तुम्हें बहुत जीने हैं को, तुम्हारे को बाल भी बांका ना कर सकते दादा। अप्पू सिंह, अभी अभी हमें गुप्त सूत्रों से पता चला है कि तुम जिस कार में हो उस कार में नकली नहीं बल्कि असली बॉम्ब रखा हुआ है, और तुम जो हरा तार काट रहे थे वो सही है। हरा तार काट दो, बॉम्ब डिफ्यूज हो जाएगा। अप्पू सिंह,